नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लाने वाला है? क्या माता रानी की कृपा आप पर होगी? क्या धन वर्षा आप पर होगी? स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? और इसके अलावा अगर आप नौकरी या अपना पेशा बदलने की सोच रहे हैं तो क्या आपके लिए ये फायदे का सौदा होगा या फिर नहीं? इन सब चीजों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी शुरुआत रोज की तरह करेंगे मयंक शर्मा जी के साथ। जाने माने एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो सर, कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना? देखिए, धनु राशि वालों का अप्रैल का महीना काफ़ी कुछ बेहतर रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले बता रहे हैं इनकी ग्रह स्थिति क्या रहेगी, उसके बाद चर्चा करते हैं विस्तार से। लेकिन इनमें लगन में कोई ग्रह नहीं है। सेकंड हाउस में गुरु और शनि होंगे, थर्ड हाउस खाली है, फोर्थ हाउस में सूर्य, शुक्र और बुध हैं, फिफ्थ भी खाली है, सिक्स हाउस में राहु और मंगल चले गए हैं, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ हाउस खाली है, बारहवें घर में इनके केतु और चंद्रमा चले गए हैं। तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति रहेगी। अभी तक इनकी राशि के स्वामी नीच के चल रहे थे, तो काफ़ी उतार चढ़ाव धनु राशि वालों के जीवन में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 6 अप्रैल से, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छा और बेहतर समय की शुरुआत धनु राशि वालों के लिए 6 अप्रैल से हो जाएगी। अगर इस महीने के सितारों की बात करें तो यहाँ इनके लिए सूर्य की स्थिति बहुत शुभ है, शुक्र इनके लिए बहुत लाभकारी है, शनि भी स्वराशि के बैठे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के अच्छे समय की शुरुआत अगर हम देख रहे हैं धनु राशि वालों की होती भी नजर आ रही है। इससे पहले हम विस्तार से चर्चा करें मयंक जी, मैं चाहती हूँ आप एक बार धर्म ज्ञान के दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि आप किस आधार पर ये राशिफल बता रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, दर्शक भी अक्सर ये पूछते रहते हैं कि जो आप इतना सब राशिफल बता रहे हैं, किस हिसाब से देखें, नाम से देखें, सूर्य राशि से देखें या फिर किस हिसाब से देखें। देखिए, हम आपको बता देते हैं, ये हम राशिफल जो बनाते हैं चंद्र राशि के आधार पर होता है। चंद्र राशि के आधार पर आप ये मासिक राशिफल देखेंगे तो बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपको देखने को और समझने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए उनका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है अप्रैल के महीने में। देखिए, धनु राशि वालों का स्वास्थ्य जो है थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि छठे भाव में राहु और मंगल चले गए हैं, तो ये आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देके रख सकते हैं। हो सकता है कि इस समय आपको उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाए, हाई बीपी की समस्या बढ़ सकती है। थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें, और राहु का छठे भाव में जाना मंगल के साथ बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता, और बारहवें भाव पे भी देखिए केतु और चंद्रमा है, तो ये सेहत के लिहाज से समय थोड़ा ठीक नहीं है। और अभी आपके गुरु भी नीच के चलेंगे 5 तारीख तक, तो 6 तारीख से गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा, तो धीरे धीरे आपकी सेहत भी बेहतर होगी। और जैसे यहाँ से इस महीने के बीच में मंगल हट जाएंगे, तो आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार भी होता चला जाएगा। बिल्कुल, आर्थिक दृष्टि से देखें तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये समय आपका 6 अप्रैल के बाद काफी अच्छा रहेगा, धन लाभ के संकेत होंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे बेहतर भी होती भी नजर आ रही है। किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या मेरे को आने वाले समय में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ लंबे समय तक रहेंगे कुंभ राशि में, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और शनि का गोचर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हालांकि इनको अगर हम देखें तो अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, और उतरता हुआ ये शनि है। उतरता हुआ शनि कहते हैं कि हमें हमेशा लाभ देता है, धन लाभ होते हैं, और हमारी स्थिति जो है काफ़ी बेहतर होती चली जाती है। अप्रैल के महीने में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि हनुमान जयंती बढ़ रही है, इसके अलावा नवरात्रे आ रहे हैं, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो इसका असर कैसे पड़ेगा इन लोगों पर? देखिए, ये सब इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नववर्ष जो हिंदू नववर्ष है, उस दिन ग्रह की स्थिति जो है बहुत शुभ है, उस दिन चंद्रमा बहुत शुभ होंगे, तो इनके लिए पूरा वर्ष जो है आने वाला तकरीबन 1 वर्ष बहुत अच्छा रहेगा नववर्ष के लिहाज से। और इस बार माता रानी भी इनके ऊपर विशेष कृपा करने वाली है। साथ ही साथ गुरु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है 6 अप्रैल से, तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी इनके लिए ढेरों खुशियां और नई सौगात लेकर आने वाला है। तो कुल मिलाकर आने वाला समय जो है, ये वर्ष जो आगे का है अप्रैल के बाद से, इनके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी राशि धनु है, उनके लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है? ये स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु शुभ हो जाएंगे, मन पढ़ाई में लगेगा, और आने वाले समय में आपको छात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो यहाँ बृहस्पति विदेश जाने के भी योग बना रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप यहाँ पर भी कोई एडमिशन लेना चाहते हैं अपने देश में किसी यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बनती हैं, और आपके पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। जिन बच्चों की भी परीक्षाएं हैं वो मन लगाकर पढ़ाई करें,
क्योंकि बृहस्पति शुभ हो गए हैं तो मन आपका पढ़ाई में लगेगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और अब बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों की, जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर जो व्यवसाय करते हैं उनको किस तरीके से लाभ होने वाला है। देखिए, नौकरी पेशा लोगों को अभी फिलहाल नौकरी में परिवर्तन करने से बचना चाहिए। कम से कम आप एक महीना तो रुक जाइए, आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आपको वहाँ भी कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी। तो इस समय नौकरी परिवर्तन करना उतना बेहतर आपके लिए नहीं रहेगा अप्रैल मास में। जहाँ तक बात है काम कारोबारियों की, व्यापारियों की, उनके लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि शनि जो है उच्च दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं, धन लाभ होगा। गुरु की स्थिति भी इनके लिए बहुत शुभ रहेगी, गुरु की पंचम दृष्टि काम कारोबार पर पड़ रही है, बहुत अच्छी रहेगी ये। और सप्तम दृष्टि जो है गुरु की वो भाग्य स्थान पर पड़ेगी, ये भी बहुत बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर गुरु का आना जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पंचम, सप्तम और फिर नवम दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो पैसा आपके पास आएगा, व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की लव लाइफ। धनु राशि वालों की लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। अगर बात करें इनकी मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ में भी इस महीने कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। वैवाहिक जीवन में भी आपकी खुशियाँ रहेंगी। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। या अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, आपकी संतान का विवाह नहीं हुआ है, तो उनके विवाह होने की संभावनाएँ भी पूरी पूरी यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। धनु राशि वालों के लिए कुछ उपाय। देखिए, धनु राशि वालों को इस महीने वैसे तो गुरु का परिवर्तन होगा तो उनको कोई खास उपाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सलाह दूंगा यहाँ आप मंगल का उपाय करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना चाहिए, जो आपको विशेष लाभकारी साबित होगा। दूसरी बात यह है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, और खासकर अगर मंगलवार के दिन खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना वो इस महीने आपके लिए बेहतर है, क्योंकि माह की शुरुआत में चंद्रमा नीच के थे जिसके कारण पूरे माह आपको अनिद्रा या मानसिक तनाव की समस्या रह सकती है, तो उस चीज से आपको बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल, और इन सबसे इतर भी अगर आप पर्सनली अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो फिर जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मयंक जी से बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी बातें दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, उनको बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।